जब किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये जो गर्म हुआ ये फीलिंग हम दूर बैठे कहीं से कर सकते हैं। हम ये फील कर सकते हैं कि ये गर्म हुआ, इसका जो हीट है उसे हम फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट रेडिएट करता है और हीट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये एनर्जी रेडिएट करता है। ये धीरे धीरे जितना ज्यादा गर्म होता है हम इसका एहसास जो है, इस गर्मी का जो एहसास है उसे उतना ज्यादा करते हैं, क्योंकि जितना ये गर्म होते जाता है, जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ये उतना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है। तो यहां से हम ये तो समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जब एक बॉडी का इंक्रीज करता है तो उसका रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो है, एनर्जी रेडिएशन जो है, वो बढ़ जाता है। इसे हम एच से डिनोट करते हैं कि ये इतना एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट कर रहा है। तो ये कितना एनर्जी रेडिएट करता है, किस टेम्परेचर में कितना एनर्जी रेडिएट करता है, इसके लिए एक लॉ है जिसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहा जाता है। इसे एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था सबसे पहले जोसेफ स्टीफन ने, और बाद में थियोरेटिकली इसे प्रूव किए थे लुडविग बोल्ट्जमैन ने। चलिए देखते हैं ये लॉ है क्या। इसके लिए हमें शुरुआत करना होगा एक ब्लैक बॉडी से। ब्लैक बॉडी क्या है? वो बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाता है जिसमें कि जो भी रेडिएशन इंसिडेंट करे ये बॉडी उसे एब्सॉर्ब कर ले। जब ये पूरी तरह से सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सके तब इस बॉडी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है। जो लैंप ब्लैक है, जो पुराने जमाने में जो केरोसिन लैंप यूज किया जाता था उसके कांच में काला परत पड़ जाता था, उसे लैंप ब्लैक कहा जाता है। लैंप ब्लैक बहुत हद तक ब्लैक बॉडी है। तो हम शुरुआत करेंगे इस लॉ को समझने का एक ब्लैक बॉडी से। मान ले ये एक ब्लैक बॉडी है जो कि टी टेम्परेचर में है और ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ये एज होल टोटल कितना एनर्जी रेडिएट करता है पर सेकेंड, वो अगर एच से हम उसे डिनोट करें तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, हमें ये सबसे पहले देखना है। अब देखिए, अगर इस बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये अगर बड़ा होता है, बड़ा बॉडी उतना ही टेम्परेचर में है, तो रेडिएट करने के लिए जो जगह है सरफेस में, जो जगह है वो जगह इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये रेडिएट कर सकेगा। तो ये पाया गया कि जो एच है, दैट मीन एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, ये बॉडी पर सेकेंड जितना एनर्जी रेडिएट करेगा ये प्रोपोर्शनल होता है इस बॉडी के सरफेस एरिया पे। और साथ ही साथ ये भी पाया गया कि ये एच जो है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, ये टी पे भी डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, केल्विन स्केल के टेम्परेचर पे, लेकिन वो टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि टी के फोर्थ पावर पे प्रोपोर्शनल है। अब अगर इन दोनों को हम क्लब करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो हम कहेंगे एच इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी टू द पावर 4। यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं एच क्या है। ये जो एच है ये है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड रेडिएटेड पर सेकेंड, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन है ये, एनर्जी रेडिएटेड इन यूनिट टाइम या पर सेकेंड। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। सो एच इज इक्वल टू, मैंने पहले ए टी टू द पावर 4 लिख दिया है, अब मैं यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसे लिखूंगा। यहां पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁸, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट में बाद में लिख रहा हूं।
ये इंटरेस्टिंग क्यों है, देखिए यहां पर देखिए 5, 6, 7, 8, सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. लेकिन यूनिट नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मायने नहीं रहेगा, इसीलिए इसका यूनिट भी अभी हमें लिखना होगा. देखिए इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट डिवाइडेड बाय इसका यूनिट. चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं. अगर आप इसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं तो ये होगा एच डिवाइडेड बाय ए टी टू द पावर 4. तो आप देखिए h क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो गया. तो ये हो गया जूल पर सेकंड, a स्क्वायर मीटर जो कि डिनोमिनेटर में है, t का यूनिट है केल्विन, तो टोटल हो गया ये केल्विन टू द पावर 4. तो हम इसी को कहेंगे इसका यूनिट जो होगा, ये यूनिट होगा जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर और केल्विन टू द पावर नेगेटिव 4. तो ये जो है ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और ये जो है ये फॉर्मूला जो है ये इसी को कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. लेकिन जब एक बॉडी ये हीट एनर्जी रेडिएट करता है उसके टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है. देखें तो जब ये हीट रेडिएट करता है इसके टेम्परेचर के कारण, कहां पर रेडिएट करता है, सराउंडिंग्स में रेडिएट करता है. लेकिन इसका जो सराउंडिंग्स है उसका भी तो एक टेम्परेचर होगा, मान ले टी डैश उसका टेम्परेचर है, तो वो भी तो कुछ हीट रेडिएट कर रहा है जिसमें से कुछ अमाउंट हीट का ये अब्सॉर्ब कर ले रहा. सो नेट अगर हीट का या एनर्जी का फ्लो देखे तो वो क्या होना चाहिए, ये अब हम पता लगाएंगे कि नेट एनर्जी का फ्लो कितना होगा. तो इसके लिए हमें दो चीजें कंसीडर करना होगा, एक तो बॉडी जो कि टी टेम्परेचर में हो और दूसरा उसका सराउंडिंग्स जो है वो, उसे भी हमें कंसीडर करना होगा. तो अब ये जो बॉडी है ये बॉडी टी टेम्परेचर में है और ये कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है. मान ले ये एनर्जी रेडिएट कर रहा HO, एच आउट बाहर निकल रहा, और इसका जो सराउंडिंग्स है, ये जो सराउंडिंग्स है इसका, ये TS टेम्परेचर में है, तो ये भी कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा. सो ये भी एनर्जी छोड़ ही रहा है क्योंकि ये भी T टेम्परेचर में है तो ये भी रेडिएट कर रहा है. अब उसमें से कितना रेडिएशन या कितना एनर्जी वो इसके अंदर जाएगा, इसके लिए कौन सा सरफेस एरिया कंसीडरेबल होगा. देखे यहां से कुछ तो ऐसे बाहर निकल जाएगा सराउंडिंग्स का हीट या फिर सराउंडिंग्स से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसमें से कुछ ही इस सरफेस को पेनेट्रेट करते हुए अंदर जाएगा. तो यहां कंसीडरेबल सरफेस एरिया जो होगा वो कौन सा होगा, वो इसी बॉडी का सरफेस होगा क्योंकि सराउंडिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में जो है यही सरफेस एरिया है. अगर इस बॉडी का और सराउंडिंग्स का बीच का जो सरफेस है दोनों को कॉन्टैक्ट में जो सरफेस ला रहा है वो सरफेस कौन है, बॉडी का सरफेस जिसका सरफेस एरिया ए है. तो अब देखिए ये अगर एच आई इतना एनर्जी पर सेकंड अगर अंदर जा रहा है बॉडी के तो हम कहेंगे एच आई जो है दिस एच आई ये किसके बराबर होना होगा. इसी फॉर्मूला को देखें ये होगा ये कांस्टेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू ए इस बॉडी का सरफेस एरिया वही तो कांटेक्ट में है सराउंडिंग का तो ये सरफेस एरिया इनटू सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है TS टू द पावर 4. इतना एनर्जी पर सेकंड इस बॉडी के अंदर जा रहा है और बाहर कितना निकल रहा है HO. HO का वैल्यू कितना होना चाहिए, HO का वैल्यू ऑब्वियसली इसके बराबर होगा, हमने तो इससे पहले ही पता लगा लिया है. सो HO जो है ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू सरफेस एरिया इनटू इसका टेम्परेचर जो कि T है टू द पावर 4. अब नेट एनर्जी इससे जो बाहर निकल रहा है नेट एनर्जी जो इससे बाहर निकल रहा तो ऑब्वियसली हम कहेंगे नेट एनर्जी जो बाहर निकल रहा वो होगा इससे जो बाहर निकला HO माइनस इसके जो अंदर आया HI.
तो आप ये पाएंगे कि ये जो है नेट एनर्जी फ्लोन पर सेकेंड, या नेट एनर्जी यहां से जो बाहर निकला पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। तो हम यहां से कॉमन आउट कर लेते हैं सिग्मा ए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एरिया, और ब्रैकेट के अंदर टी टू द पावर फोर माइनस टी एस टू द पावर फोर। तो ये भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ही एक फॉर्म है। यहां पर सराउंडिंग्स का जो रेडिएशन है जो कि उस बॉडी के अंदर जा रहा है, इसे भी कंसिडर किया जा रहा है। अब देखिए, हर बॉडी जो है ये ब्लैक बॉडी तो नहीं होगा। ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी क्या है? ये हर तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी इस पे इंसिडेंट करेगा उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो एमिट भी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो है सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अब्जॉर्बर होता है, सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्ब कर सकता है, और सबसे अच्छा रेडिएटर भी होता है यही ब्लैक बॉडी ही, यही सबसे ज्यादा रेडिएट भी करता है। लेकिन हर एक बॉडी जो है ये तो ब्लैक बॉडी होगा नहीं, तो जो ब्लैक बॉडी नहीं होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? हम एक ऑर्डिनरी सा, एक नॉर्मल सा बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। तो अब ये जो रेडिएट करेगा एनर्जी, ऑब्वियसली ये जो है इसके बराबर तो नहीं होगा। ब्लैक बॉडी जितना रेडिएट कर पाएगा एक ऑर्डिनरी बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है, वो उतना रेडिएट नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका कुछ फ्रैक्शन ही रेडिएट कर पाएगा। अगर मान लीजिए 100 है, 100 यूनिट रेडिएट कर रहा पर सेकेंड, तो ये हो सकता है 40 यूनिट रेडिएट करेगा, हो सकता है कि ये 30 यूनिट रेडिएट करे, तो उसका कुछ फ्रैक्शन ही ये रेडिएट कर पाएगा। ये तो डिपेंड करेगा उस बॉडी का जो सरफेस है, या वो बॉडी जिस मटेरियल से बना हुआ, उसका सरफेस जिस तरह का है उस पे वो डिपेंड करेगा। तो अब इसके लिए, इस ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है, उसके लिए हम फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखेंगे, एच एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये तो ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला हो गया, अगर ब्लैक बॉडी होता तो इतना ये रेडिएट करता। अब चूंकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, तो हमें यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा। यहां पर ये टर्म है एमिसिविटी, इस बॉडी का एमिसिविटी। हो सकता है ये एमिसिविटी 0.5 हो, तो अगर ये इसका एमिसिविटी 0.5 होगा तो इसका मतलब यही है कि अगर सेम शेप का, सेम सरफेस एरिया का अगर एक ब्लैक बॉडी और इस बॉडी को कंसिडर किया जाए, दोनों का ही टेम्परेचर अगर सेम हो, टी और टी सेम टेम्परेचर में हो, तो ब्लैक बॉडी जितना रेडिएट करेगा उसका आधा रेडिएट करेगा ये बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका एमिसिविटी 0.5 है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हो सकता है 0.4 हो। अगर 0.4 होगा तो ये जितना रेडिएट करेगा उसका 40% ये रेडिएट करेगा। सो ये जो टर्म है जिसे हमने ई से डिनोट किया, इसे कहा जाता है एमिसिविटी, इसे कहा जाता है एमिसिविटी। तो यहां से आप अगर देखें तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ये देखा था, ब्लैक बॉडी के लिए जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये देखा था कि उसका जो रेडिएशन पर सेकंड है, वो जो रेडिएट कर रहा पर सेकंड, वो इतना है। तो आप इसके साथ अगर कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि ब्लैक बॉडी इसका जो एमिसिविटी होता है वो एमिसिविटी 1 होता है। हम यहां पर सिंपली 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ। कौन सा वेरिएबल यहां पर आता है? यहां पर एमिसिविटी आता है। तो अगर यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते और यहां पर ई लिखते, ई अगर लिखते, तो हम कहते हैं ई का वैल्यू जो है एमिसिविटी 1 होगा। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके लिए एमिसिविटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो मैं यहां लिख दूं, ये ब्लैक बॉडी है, दिस इज ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी का जो वैल्यू है ये 1 होता है। ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होता है।
अब जैसे कि हमने देखा कि जो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होगा वो उतना रेडिएट नहीं कर पाएगा, एक फ्रैक्शन में ही रेडिएट करेगा। और वो फ्रैक्शन कौन डिटरमाइन करता है, उसका एक प्रॉपर्टी हम एसोसिएट कर देते हैं उस बॉडी के साथ, जिसे कहा जाता है एमिसिविटी। तो ये तो तब जब हम सराउंडिंग्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम सराउंडिंग्स को कंसिडर करें तो उससे पहले तो मैं इसे घेर देता हूं, ये भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ही एक फॉर्म है। अब बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी है। अब जैसे कि हमने बात किया, अगर सराउंडिंग्स को भी हम कंसिडर करते हैं जो कि TS टेम्परेचर में है, तो फिर यही फॉर्मूला जो है कुछ ऐसा फॉर्म लेगा, इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू दिस वन, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर टू द पावर 4। तो ये हो गया जब हम सराउंडिंग्स को भी कंसिडर करेंगे जो कि TS टेम्परेचर में है। तो ये रहा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पे स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।